बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विदिशा। आज विदिशा में मौजूद हूं, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है, रही क्या मैं तो कह देता हूं आज भी है। कौन कौन नहीं आया यहां? अटल जी चुनाव लड़े, हाजी सुषमा जी चुनाव लड़े, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हुए वो, और एक से एक बड़े बड़े नाम यहां से धुरंधर विदिशा आते रहे। बातचीत का सिलसिला आज यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय, आपसे तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि विदिशा की जनता को आज जरूर बोलने का मौका मिलना चाहिए। पहले आते आते पहली गेंद पर ही, पहली गेंद खेल, हाँ जी पहली गेंद पर सिक्सर मारना, पहली ही गेंद पर सिक्सर मारना, यह विदिशा में ही हो सकता था। और मुझे मालूम है कि यह जनता बड़ी सब्र के साथ, बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रही थी। मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद पे जहां छक्का मारा जा सकता, उस मध्य प्रदेश में उस शहर का नाम है विदिशा। क्या नाम है साहब आपका, आगे आइए। मेरा नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है। पवन कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार श्रीवास्तव। आप सोचते हैं ये तीन बार क्यों पूछते हैं? तीन बार इसलिए पूछते हैं कि आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए, बाकी सवाल तो मुझे नहीं मालूम। सवाल आप लाएंगे? अच्छा जी, क्या है सवाल? मेरा सवाल ये है, गौ माता के ऊपर सवाल है सर। गौ माता के ऊपर जी पूछिए। गौ माता मारी मारी फिरेंगे, कोई नेता कोई विकास नहीं कर सका, कोई सब नेता जाए कोई विकास नहीं हो सका सर। बड़ी बड़ी सवाल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी फ्री की योजनाएं मिल रही हैं, गौ माता पे कोई सवाल नहीं पूछता। कोई नेता गौ पर काम नहीं करता जी, विदिशा है ये साहब, और ये सवाल यहाँ आना ही था, मुझे मालूम था। जो मेहमान है हमारे साथ, मैं उनसे पहले तारुफ करा दूं परिचय। कांग्रेस से आज मोर्चा संभालेंगे रवि साहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा से सुरेंद्र चौहान जी आज मौजूद हैं शो के बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसेना आज यहाँ पे मौजूद है, सौरभ जी, जी जी राहुल जोशी, राहुल जी नाम है, वाह क्या बात है, राहुल जोशी, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और समाज सेवक के रूप में राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी कैसे इनके बीच में रह पाएंगे, कुछ लगा है, सोचा है? नहीं, हम इस क्षेत्र से निकले हुए रह जाएंगे, इस क्षेत्र से निकले हुए हैं हम इनके। बोले हम इन्हीं के बीच में रहते हैं, मुझे मालूम है कैसे कब डसना है। हमको मत बताइए कि कैसे कब कहां कौन से अब सवाल खड़ा करना है, मुझे मालूम है, बड़े लोग मौजूद हैं। पहला सवाल कौन बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? शिवसेना जी, शिवसेना यहां पे मौजूद है, बोलिए साहब। मेरा नाम राहुल जोशी है, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूं, जिला विदिशा से। गौ माता का जो ट्रक पटारी हवेली में गया लेकर आया था मैं, सभी संगठन सभी फेल हो गए थे। जब भी आधी रात में मेरी टीम शिवसेना की पहुंची और विदिशा लाकर और गौशाला को 14 गौ माता खत्म हो गई थी और सब गौशाला में छोड़ गई। वो एक ट्रक की बात नहीं कर रहे, वो तो सारे सारी गौ माता की सड़कों पर बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, किसी ने कहा तो मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 साल यूपीए की सरकार रही और सरकार रिमोट कंट्रोल से चली, जब रिमोट ऑन तो सनातन को गाली और जब रिमोट ऑफ तो सनातन की जय 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 जय। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आपसे सवाल पूछा है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां विदिशा में जवाब के लिए तैयार। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारा सवाल लूंगा मैं जरूर। जी जनाब, नरेंद्र मोदी खुद अडानी और अंबानी के रिमोट से चल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, अभी के पास आ रहा हूं। अब बताइए प्रधानमंत्री पे आप सवाल ये करा करते हैं। बिल्कुल, गौ माता की बात की है भाई ने, पवन श्रीवास्तव ने जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता पर राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 1.5 साल में सैकड़ों गौशालाएं प्रत्येक पंचायत में खुलवाई है। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गौ माता पे राजनीति, और गौ माता पे राजनीति गौ माता के लिए कुछ नहीं। आज डिबेट विदिशा में बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि रामलला का मुद्दा भी आएगा। बिल्कुल, अरे आ रहे श्रीवास्तव जी, आपने तो डिबेट खड़ी कर दी है। जी जनाब,
बीजेपी के प्रवक्ता जी। आदरणीय साहू जी आरोप लगा रहे हैं, उसका मेरा ये जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना सनातन के लिए गौ माता के लिए जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहां पे गौ हत्या पे रोक लगी, गौशालाओं की व्यवस्थाओं की बात हुई, सनातन धर्म की बात हुई। कर्नाटक में जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई वहां पर गौ हत्या का जो प्रतिबंध था उसको हटाया, धर्मांतरण पे जो लगा हुआ प्रतिबंध था उसको हटाया, जगह जगह हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ये कांग्रेस की मानसिकता जी। मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा हूँ, एक एक करके आता जाऊंगे। हाँ बेटा बोलो ना, आगे आओ जल्दी 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 आओ। ना, इतनी देर नहीं, सवाल पूछना है तो जल्दी आगे आना होगा। बोले कि आप सनातन को गाली देते हैं, सनातनियों को गाली देते हैं और ये शोभनीय नहीं है। सनातन बोलने से नहीं होता सनातन का मान और अपमान। सनातन इस तिलक को कहते हैं, इस कंठी को कहते हैं जो मैं ये धारण कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सा तिलक बताइए आप। सनातन को हम लोग हृदय में रखते हैं, सार्वजनिक करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में 5 सदस्यों ने, सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों ने मंदिर बनाने के लिए ऑर्डर किया था। आप मंदिर की बात कर रहे हो, मंदिर बनाने का बिल्कुल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको पता है। और आप कहते हैं, आप कह रहे हैं सनातन गौशाला की बात करो, गौ माता की बात करो, आप धर्मांतरण। अरे भैया जो सवाल भैया जी पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आप इल्जाम लगाते हैं इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर कि रिमोट से मैं आ रहा हूं, रिमोट मैं आ रहा हूं। बोले रिमोट ऑन तो सनातन को गाली, रिमोट ऑफ तो सनातन की जय जय। देखिए साहब, कांग्रेस का काम है झूठ बोलने का है? और चौड़ी छाती करके झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं ये? जैसे ही चुनाव आता है तो इनके नेता जो राहुल गांधी है कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके चले जाते हैं, और दूसरे ही दिन नॉनवेज चीतते हुए राखी के त्योहार पे, रक्षाबंधन के महीने में, सावन के सोमवार जब चल रहे थे तब दिल्ली के होटल के उनके वो फुटेज। इनके प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मछली खाते थे पूरे। आराम, अब मुझे नहीं मालूम ही कौन कौन लोग थाली देख के आए हैं और किन्होंने थाली चेक करी है, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव की गति जो है ना बड़ी तेज होती। मैं आया, आप बिल्कुल भैया जी चीखो ना, मैं आ रहा जी, बोलो जल्दी खड़े हो बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित राजपूत है। हाँ। यहाँ पे सब लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। हाँ। मगर कोई रोजगार की बात नहीं करता, युवाओं के बारे में कोई बात नहीं करता। इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने बोला था कि 1 लाख रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। उसके बाद घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, शिक्षा की पटवारी भर्ती घोटाला हो गया। उसके बाद जितने भी व्यापम में जितने भी घोटाले हो रहे हैं, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा, ना युवाओं की ओर कोई देख रहा। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि अगर हमने राम लला के मंदिर के निर्माण में मार्ग प्रशस्त हुआ है या किया है तो हमने 15,000 ग्राम पंचायतों के भवन का भी निर्माण किया है और हमने संसद भवन जो है उसका भी किया है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे 1 और 2 जी। हेलो भैया, मेरा नाम अभिराज शर्मा है, विदिशा का रहने वाला हूँ। ठीक है, संसद बन गया। क्या काम करते हैं बाबूजी? क्या मैं छोटा मोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, देखिए कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजानी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। ये ना हो तो बड़े बड़े लोग खड़े नहीं हो पाएंगे गुरुजी, यही हो। हाँ, सवाल कैसे भूल जाएंगे जी, अगर सवाल ना हो तो हम ना खड़े हो पाए जी। बोलिए, ये सनातन की पिच पे बैटिंग करने वाले भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि क्या महाकाल लोक का जो घोटाला हुआ वो सनातन धर्म में नहीं आता। और दूसरी बात, आपने कहा मैं सब जगह घूमकर विदिशा हाई प्रोफाइल सीट पे आया हूँ, मैं आपका इस गुंडागिर्दी भारतीय जनता पार्टी फैलाने वाले शहर में आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुंडे इकट्ठे होके हमारे विधायक शशांक भार्गव जी के यहाँ, जहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की जनता ने चुनकर विधानसभा में पहुंचाया, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होकर उन्हें जान से मारने का।
इल्जाम हाँ गुंडा नहीं बोल सकता, विदिशा में सभी गुंडे नहीं है, समझ गए ना। पहले मेरी उम्र 54 साल की है, मैं विदिशा में यहीं पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैंने भी राजनीति देखी है, ये क्या गुंडे की नगरी है, गुंडों की नगरी है। देखिए भैया जी, बिल्कुल आज डिबेट बहुत अच्छी होने वाली है, मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी डिबेट में आज यहाँ भी है, मैं आ गया। लेकिन एक चीज बहुत बहुत राजपूत जी, एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे, एक बार सवाल कोई पूछेगा उसका जवाब आने देंगे। जी मैं आ रहा हूँ जी, बीजेपी वेरी क्विक। देखिए साहब, जिस गुंडागर्दी की ये बात कर रहे हैं, विदिशा विधायक शशांक भार्गव से बड़ा गुंडा कोई हो नहीं सकता इसी चौराहे पर। दिग्विजय सिंह जी के सामने उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पिछली बार उनसे पराजित हुए थे, उनको घर से उठा के लेके आने की बात कही थी। रही बात उस हमले की जो ये बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में जब एक कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान विधायक शशांक भार्गव जी द्वारा अपशब्द बोले गए थे, महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर नहीं गए थे, उनके ऑफिस पर प्रदर्शन करने गए थे। जवाब आ रहा है जी। बाबूजी क्या हो गया? अरे हुआ क्या? हुआ जे कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार ने गरीबों, कांग्रेस सरकार गरीबों की मसीहा है, गरीबों जमीन दई, गरीब बोले दीजिएगा कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, मकान से जमीन कोई नहीं खरीद सके, जमीन से मकान बना सकता है। मेरे दिग्विजय सिंह राजा ने 10-10 बीघा के पट्टे बांटे, में जनपद अध्यक्ष, हर 5 साल में जनपद से भर्ती में जनपद अध्यक्ष था, मैंने 330 मास्टर बनाए जनपद से। कहते हैं मेरे दिग्विजय सिंह ने जमीन दी और जमीन से मैंने वो बनाया। शिवसेना के बढ़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? एक रहेगा, अब तय कर लो कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम साहब? सौरभ चड़ार। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका नाम बोला था जी। वन बाय वन वेरी क्विक जी जनाब। मैं विनीत दांगी, विदिशा से ही हूँ। क्या नाम बोला? विनीत दांगी। विनीत जी, ये गलती हो रही मुझे, बार बार वो हाथ उठाते हैं, मैं देखता हूँ उधर घूम जाता हूँ। आया आप खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं सवाल ले लूंगा तुरंत जी। मेरा नाम, आपका नाम? मेरा नाम संयोग श्रीवास्तव है। हाँ। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब कमलनाथ की सरकार 14 महीने के लिए आई थी, कमलनाथ जी ने प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव था कि मंदिरों की जमीन कुछ बिल्डरों को दी जाएगी, मंदिरों की कमाई पे 10% टैक्स वसूलेगी सरकार। वो तो अच्छा हुआ इनकी सरकार चली गई, सबसे बड़े सनातन विरोधी है कमलनाथ है। और प्रियंका खड़गे ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, एक भी कांग्रेसी ने माफी नहीं मांगी यहाँ पे। डेंगू कैंसर मलेरिया वाले बयान का उसने समर्थन किया था, आप भी जानते सर। सवाल यह है कि सनातन को गाली दिया था, जिसका उल्लेख इस समय चुनावी सभा में हो रहा। मैं आ रहा हूं जी, आप बोलिए अपना सवाल। इस सभा में बहुत सारे युवा साथी हैं। हाँ जी। बेरोजगार घूम रहे हैं, आज चुनावी समय है, इनको राम याद आ रहे हैं, सनातन याद आ रहा, इन सड़कों के गड्ढे नहीं देख रहे, रोजगार की बात कर नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे, मुद्दा ही नहीं है विकास किया होता चुनाव लड़ने के लिए, तो नहीं तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, सनातन के नाम पे वोट नहीं मांगते। सवाल तो मजेदार होगा शिवसेना से, ये कहते हैं कि आप राम पे सवाल करते हैं, गड्ढों पे सवाल नहीं करते। शिवसेना का रुख जानना बहुत जरूरी है कि राम पर होना चाहिए सवाल। आगे, अरे तुम्हारे पास आ रहा। हाँ जी, क्या नाम? सुरेश लोधी। सुरेश भाई आगे आओ, आगे आ जाओ। क्या काम करते हो सुरेश भाई? मजदूरी। मजदूर का तेवर यही होना चाहिए जो इनका है, और अगर ये तेवर नहीं है मजदूर का तो मैं समझो मजा नहीं आया। तो आज मजदूरी कितनी रही? 400। 150 से 400। कब थी? आज से 5 साल पहले, 150 जब कांग्रेस सरकार थी, 150 नहीं 100 में आ जाओ। हाँ, और अब कितनी? 400 और 500 भी। तो सवाल क्या है? पसीना का।
सवाल क्या है पसीने का जी, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब देना चाहेंगे। देखिए साहब, सनातन को बोले कि मंदिर नहीं, सवाल ये होना चाहिए गड्ढे, सवाल ये होना चाहिए कि रोजगार, सवाल ये होना चाहिए कि विकास, सवाल ये होना चाहिए अस्पताल, सवाल ये होना चाहिए शिक्षा, तो मंदिर का सवाल क्यों उठाया आपने चुनाव में? देखिए साहब, मंदिर का सवाल तो हम इसलिए उठाएंगे कि भगवान राम हमारे हृदय में बसते हैं, 500 साल के संघर्ष के बाद वो राम मंदिर आज बन रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे नेता नहीं होते तो उस निर्णय को करवाना संभव नहीं होता। लोग कहते थे लाशें बेच जाएंगी, सड़कें लाल हो जाएंगी खून से, लेकिन उस निर्णय से कई जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने अपने आप को बैक किया, लेकिन यदि नेता मजबूत है तो ही निर्णय सही हो सकते हैं। देखिए, एक चीज सुधार करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज से पीछे या आगे नहीं जाए, वो तटस्थ चीज है। रुकिए, मैं आ रहा हूं, वो तटस्थ चीज है, वो न्यायपालिका है जिस पर हम सारे लोग विश्वास करते, जिस पर लोकतंत्र की नींव खड़ी होती है। जानना जरूरी है, आम लोगों के बीच में जब ये बात कही जाए, बार बार कही जाए, तब मजबूती होती है। लोग सुप्रीम कोर्ट साक्ष्यों के हिसाब से तो जो फैसला हुआ हम सब लोगों ने मान लिया, लेकिन सवाल यह था कि मुझे शिवसेना से पूछना चाहिए था, यह सवाल मैंने पूछ लिया बीजेपी से। नाउ यू आंसर सौरभ। यहां तक राम मंदिर का सवाल है तो कब्जा हटाने वाला बड़ा होता है, बाबरी मस्जिद ढाने में माननीय बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की भूमिका थी, और जो भाजपा कह रही है राम मंदिर, तो भाजपा को सबसे पहले राम मंदिर के चंदा का हिसाब देना चाहिए, इसके बाद राम मंदिर की बात करना। शिवसेना का रुख साफ है जी, इसलिए तो जरूर वेट करिए, 5 साल बाद आऊंगा मैं, अब इतनी जल्दी नहीं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र राजपूत। धीरेन्द्र राजपूत जी, भाई देखिए, भाई साहब बैठ जाइए, अब अभी रिंग में नहीं बैठिए, बैठिए कहीं भी आराम से बैठ जाइए जी। मैं सारी पार्टियां जो कहती हैं बीजेपी पे इल्जाम लगाती हैं कि राम मंदिर करती है, मेरा उनसे सवाल है, अभी मथुरा बाकी है, वो बोले हम कराएंगे, बोले ना मथुरा हम कराएंगे, बोले कांग्रेस पार्टी मथुरा हम बनवाएंगे, बोले कांग्रेस पार्टी की हम मथुरा हम बनाएंगे। चुनाव का समय है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते पैर रखिएगा, चुनाव का समय है, फिसलने की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चलिएगा। मैं आया बेटा आया जी, मेरे यार 1 साल हो गए श्रीमान जी। अरे रुको, छोड़ दो, क्या नाम है? मुकेश, मुकेश नाम मेरा। अरे 1 साल से मेरे बच्ची ला पता है, कोई पता नहीं उस बच्ची को मेरा, 1 साल हो गया मुझे आज लापता, मेरे बच्ची तरु नाम है मेरे बच्ची को, और आने नहीं चाहती, और कोई उधर एंट्री भी रखा है अल्लाह खेरे के बाजू में, अशोक नगर के बाजू में। कहाँ रहते आपका, आप रहते कहाँ हैं? इसी जिले के अंदर रहता हूँ श्रीमान जी मैं। सारे लोग जानते हैं क्या इन्हें? जानते हैं हाँ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने बात करी? नहीं करी श्रीमान जी अभी तक, कोई मेरे, मैं थाने नहीं गया, कोई मेरी रिपोर्ट नहीं देखी मेरी अभी तक, वो बाहर एंट्री करने कब से गायब है? कब से 1 साल हो गया मेरे श्रीमान जी, 1 साल से मेरे चिल्ला पता है, कोई एंट्री नहीं उठा रहा मेरे साथ, मैं उसको एक गुनाहगार कर रहा हूँ साहब, श्रीमान जी गोली मार देता है मुझे, 1 साल हो गया, 1 साल का है, मैं एंट्री कर रहा हूँ इस बात के लिए, मैं तो जाता हूँ थाने में, कर लेंगे तुम्हारी बच्ची के जाएगी नहीं आई, 1 साल हो गया इसके लिए। ओए नहीं, मैं ओए नहीं हूं, चुपचाप खड़े रहिएगा वहीं पे। क्या करूं शो और क्या करूं बात, सवाल ऐसे मुंह बाके खड़े हो जाते हैं सामने, मौका लोगों को मिलता है कि चलो राजनीति की रोटी इसी वक्त सेकनी चाहिए, नहीं भाई, रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, तुरंत लिखी जानी चाहिए और फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो न्याय का तकाजा है फौरी तौर पे। अगर वो कहता है कि 1 साल से गायब है तो क्यों नहीं लिखी गई, लिखी जानी चाहिए, तुरंत लिखी जानी चाहिए रिपोर्ट। अब आता हूं आपके पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब रामचरण। रामचरण जी मेरा नाम है, और मेरा नाम रामचरण जी, हाँ जी, ग्राम पंचायत बंडवा रामचरण है। भाई रुकिए एक मिनट, अरे भाई लड़ाई मत करिए, रामचरण जी मेरा नाम है, ओए हाँ जी जी, तो बीजेपी सरकार ने भी कह रहा है कि भाई आपका कर्ज माफ और ब्याज माफ,
तो ना तो मेरा सोसाइटी का ब्याज माफ हुआ अभी तक, मेरा क्या और भी किसानों का नहीं हुआ। और कांग्रेस सरकार भी कह रही थी कि हम 2 लाख तक का माफ कर देंगे, ना कांग्रेस सरकार ने किया। तो करोगे क्या? उसका निराकरण क्या है? निराकरण क्या है? बोले बीजेपी ने भी वादा किया था। सुनो भाई रामचरण, रामचरण सुनो, रामचरण बता रहा भाई, देखे ऐसे नहीं, रामचरण जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी वादा किया था कर्ज माफ, कांग्रेस कह रही है 2 लाख का कर्ज माफ, तो कह रहे ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया, तो क्या है इसका सलूशन? अरे रामचरण जी, आपके पास यही मौका है, इसी में तौल लीजिए। बसपा, बसपा के लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। एक मिनट में आया जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जी। एक बात कहना चाहता हूं मैं, बीजेपी के राज में, हम कांग्रेस के राज में लाल गेहूं खा के मर गए, अपना गेहूं अपन को मिल रहा है 1 रुपया किलो में, बहुत बहुत धन्यवाद है वो। किसके लिए, किसके लिए? गरीबों के लिए गरीब लोगों के धन्यवाद, अपना गेहूं अपने के लिए मिल रहा है वो। इसके लिए किसको धन्यवाद? गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। मैं सवाल थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आता हूँ फिर से कोशिश करता हूँ जी। बाबूजी खड़े होइए, क्या नाम है साहब आपका? सर मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। मुझसे जी? आपसे बिल्कुल करिए साहब, बिल्कुल कर। चौथी बार विदिशा आए जी। हमारी सड़कें करीब 20 साल से एक भी विदिशा की सड़क, एक भी गली, एक भी नाली अगर सुरक्षित हो तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। विदिशा की टोटल पूरे शहर की, यहाँ से लेके आज्ञाराम कॉलोनी, पीतल मिल, बंटी नगर, एक भी रोड, एक भी गली, ये कह दें बीजेपी वाले कि स्वच्छते और सपाटे, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। नाम क्या साहब आपका? सुरेश मोतियानी। सुरेश मोतियानी जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। गलती मालूम किसकी है? जो सवाल पूछता है वो जानता है। हमने वोट दे के जिताया इनको, ये तो आप सब आज सड़क नहीं बनवाई विधायक जी ने 5 साल, ये काम नगर पालिका का है। कांग्रेस के विधायक तो सोचना है आपको कि वोट जब आप देंगे तो कैसे देंगे और किसको देंगे, ये आपका फैसला होना चाहिए। मैं इस कोने में नहीं आया जी। नमस्ते जी। सर जी मध्य प्रदेश। नाम क्या है आपका? मेरा अशोक जाट है। अशोक जी, जी क्या काम करते हैं? मैं सर यहाँ पे निर्दलीय पार्षद हूँ। निर्दलीय पार्षद हैं? अरे वाह, तीसरी बार हूँ। काहे में शामिल हो गए? मैं भाजपा का हूँ, अच्छी बात है। मैं सर यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, कांग्रेस ने आज तक पिछड़ी जाति से कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या पिछड़ी जाति के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा अशोक जाट है सर। अशोक जी चुनाव में पेंच डाल रहे हैं और उन्होंने कहा कि बनाया मुख्यमंत्री या नहीं पिछड़ी जाति का, बताइए हुजूर आली। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया, स्वीकार करते हैं। मत करिए भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में नहीं बनाया, ये हम स्वीकार, पिछड़ी जात का नहीं बनाया क्या? नहीं, कोई बात, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ना उस पर ध्यान मत दीजिए। बोले सवाल पूछा गया। हाँ मैं आपको जेनाइन बात बताता हूँ। अभी बैठिए बना, बैठिए। मोतियानी जी ने कहा सड़के देख लीजिए। हाँ अभी इनने बोला भाजपा का, कांग्रेस का विधायक है भैया, 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कहते हैं विदिशा में मुझे चैन की नींद आती है और चैन हराम करते हैं विदिशा के लोगों का। यहाँ पे 200 मीटर आप कैमरा लेके चलिए, जहाँ आपकी लाइन चली जाएगी, यहाँ पे एक बिल्डिंग ठोक दी बिना परमिशन के, पूरा शहर परेशान हो रहा है। 20 मिनट में अगर आपकी बाइक निकल जाए, आप बता जी भैया, मोटी रकम लेती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, और भगत जी सेठ जाकर धन्ना सेठ है, इसने यहाँ पे बहुमंजिला इमारत बना के मोल। जनाब 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 जनाब, मैं आया, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मैं एक सवाल पूछने दीजिए। क्या नाम है बेटा? हर्ष शर्मा मेरा नाम है। हर्ष शर्मा क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी, किस क्लास में? मैं
गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भाई आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बाबूजी। जी मेरा सवाल है, आधे घंटे की डिबेट हो चुकी है, यहाँ इतने नेता खड़े हैं, किसी ने युवाओं की बात करी? नर्सिंग का घोटाला हुआ है वहाँ, दो वर्षों से उनके पेपर नहीं हुए, यहाँ कोई ने उनकी बात नहीं करी। यहाँ पर पटवारी के एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, लेकिन उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं होती। यहाँ घोटाला होता है, या शिवराज सिंह के और उनके मंत्रियों के, कॉलेज के बच्चों के, वहाँ पे रिजल्ट आते हैं वो पास हो जाते हैं और रात भर मेहनत करने वाला बच्चा फेल हो जाता है। ये हकीकत है, आपने यहाँ गड्ढा देखा था। और हकीकत बताऊं, विदिशा के लिए भाजपा गड्ढा बन चुकी है। अब आप जवाब दीजिए, मैं आया। जी क्या नाम है साहब आप? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी, क्या काम करते हैं साहब कमलेश जी? फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का? बैंकों के लिए। हाँ, तो कैसा फाइनेंस चल रहा है? ठीक, लोग लोन ले रहे हैं? बोले भाई ले रहे हैं, ऐसे मत बोलिए कि अगर ले रहे हैं तो बताइए, नहीं ले रहे तो बताइए सर। बाकी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मोदी जी की पार्टी में कोई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके नेता के भ्रष्टाचार नहीं करते? केवल विपक्षियों पे ही क्यों होती ईडी की कार्रवाई? जवाब बीजेपी वाले देंगे कि कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पर ही क्यों होती है ईडी की, बाकी सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं होती। जी पहला सवाल उधर से पूछा गया था, बाकी आप देखिए साहब, चार सवाल आए हैं जो अभी आपने चारों कोनों से अलग अलग लिए हैं। पहला जवाब है विकास के नाम पर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में बनी, तब के विदिशा में और आज के विदिशा में जमीन आसमान का अंतर है। 100 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, पूरे शहर में नए सिरे से सीवेज की लाइन डली। उसके बाद में वाटर सप्लाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो शहर के उस तरफ जो है रोज झगड़े होते थे, टैंकरों पे लट चलते थे और दो दो घंटे तक लोगों को लाइन में खड़े होकर टैंकरों से पानी लेना पड़ता था जब कांग्रेस की सरकार थी। बिजली यहाँ होती नहीं थी, रात में परीक्षा यदि जब मेरे को देना होती थी, 98 की बात बता रहा हूँ, 97 में जब मैं 10th क्लास में था, मैंने रेलवे स्टेशन में पढ़ाई करके उस समय एग्जाम दिया था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी। जब किसी शहर में विकास होता है तो खुदाई भी होती है और उसके बाद नई सड़कें ही बनती हैं। विदिशा में विवेकानंद चौराहे से लेकर आज सागर पुलिया तक आप चले जाइए, पूरी नई सड़क बनी है। टीला खेड़ी में पूरी रोड सीसी सीमेंट कंक्रीट की रोड। दूसरा सवाल का जवाब, उन्होंने कहा कि नवयुवक ने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गड्ढा बन चुकी है। ये तो सोच का अंतर है, ये कांग्रेस माइंडेड है और ये पहले NSVI के कार्यकर्ता थे। दूसरी बात, ये जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं पटवारी घोटाले की, उस पटवारी घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान ले कराई, किसी की शिकायत पे नहीं कराई है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जब कहीं दूसरी जगह नाम आता है तो मध्य प्रदेश का, जब हम बोलते हैं दिल्ली में मध्य प्रदेश से, तो दिल्ली के लोग, अच्छा वो व्यापम घोटाला जहां हुआ था, वो व्यापम जिसने करोड़ों लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर दिया, 56 लोग तो ऑन रिकॉर्ड मरे हैं, जिसने जांच की शिवराज जी ने उसका मरवा दिया। देखिए साहब, व्यापम घोटाले के जितने भी केस थे, चाहे उसमें भाजपा के लोगों के नाम आए हों, चाहे अन्य लोगों के आए हों, चाहे अधिकारियों के आए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का बचाव नहीं किया। मैं आया, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जी क्या नाम है भैया? विप्लेश पटेल नाम है सर। सर से एक सवाल है, पटवारी घोटाले की जांच की बात की गई थी, 31 अगस्त को रिपोर्ट देंगे, मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था ऑन स्क्रीन पे आके, लेकिन आज कितनी तारीख हो गई है? आज 9 नवंबर हो गया है, आज तक ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ आया, और साथ साथ 2019 MPPSC की ज्वाइनिंग 19 से लेके आज तक 23 तक की एक भी अधिकारी नहीं मिला मध्य प्रदेश को, और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, तो मध्य प्रदेश आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बलात्कार में सबसे ज्यादा आगे है तो कौन है? मध्य प्रदेश आगे है। कहां महिला सशक्तिकरण है यहां पे? इसका जवाब कौन देगा? जी जनाब, वेरी क्विक। मेरा नाम प्रयाग दुबे और मैं विदिशा के, आराम से पटेल साहब, विदिशा का ही रहने वाला हूँ। सीधी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि विकास क्यों नहीं हुआ, तो पिछले दिनों जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब आप क्यों नहीं कहते थे कि विकास कहाँ था जब आपका? और यदि अभी बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, तो आप विकास के नाम पे वोट मांगी साहब?
कि हमने रोडें डलवाई, हमने क्या किया है। जैसे सर ने कहा कि दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं कि क्या वही मध्य प्रदेश जो व्यापम घोटाला है, और मैं जब दिल्ली जाता हूं तो पता है क्या कहते हैं कि वही ये वही मध्य प्रदेश है ना, जब वंशानुगत मुख्यमंत्री बनते हैं, जहां दिग्गी राजा मुख्यमंत्री बनता है, जहां कमलनाथ मुख्यमंत्री बनता है और उनका बेटा नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद बन जाता है। सवाल तो कई हैं, सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज तक आने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? सेवक सिंह कुशवाहा। सेवक सिंह कुशवाहा। सेवक सिंह कुशवाहा। सेवक सिंह कुशवाहा। क्या काम करते हैं? मटेरियल चढ़ाता है। मजदूरी आज करे है मजदूरी? हाँ। कितना पिला है? कितने पैसे आज? तो हफ्ता मिलता सोमवार के सोमवार। सोमवार सोमवार मिलता, तो करते क्या काम है ये? ईंटे बजरी चढ़ाते हैं छतों पर। ईंटे बजरी छत पे। हाँ जी, ईंटे चढ़ाते हैं भट्ट छत पर, मजदूर हैं, हफ्ते हफ्ते पैसे मिलते हैं। आगे आओ, इसके अंदर और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ, आगे आओ और आगे आओ। और घर नहीं दे, मोड़ मोड़ भगा दे तो तुम्हारा कोई घर नहीं है, करे ये खूल पे आओ घर। हाँ, तो घर मिला नहीं है, कल तुम घर जाओ, तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। मजदूर हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं आता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। शिवानी बोलिए मन का आपा। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। पैदल सेना दोनों हमास के ठिकानों पर प्रहार करते नजर आए। गाजा की रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकानों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर इसराइल की सेना जमीन और आसमान से लगातार गोले बरसा रही है। इसराइल के डिफेंस फोर्स के इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से सना और मलबे में तब्दील नजर आया। हमले में हमास के बड़े नुकसान का दावा किया गया। इसराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का ये कमांडर इसराइल की इसी लिस्ट में था। इसराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इसराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इसराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इसराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। इस बीच हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इसराइल की सेना ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने एक बार फिर गाजा में मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाई। हालांकि इसराइल ने दावा किया गया कि उस मस्जिद में हमास के कमांड सेंटर थे जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन इसराइल की सेना ने उस मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें मस्जिद पर हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इसराइल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। हालांकि इसराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बचने के लिए मस्जिद में अपना ठिकाना बना रखा था। इसराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इसराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इसराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इसराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि ये ऑपरेशन खास तौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इसराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इसराइल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है।
अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इसराइल की सेना लंबे वक्त से कर रही। इसीलिए इसराइल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच जर्मनी ने इसराइल की बड़ी मदद की है। जर्मनी ने इसराइल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद का दावा किया है। ये मदद की गई है जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इसराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था, इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था, क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था जिसके दम पर हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इसराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था। जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। इसराइल बॉर्डर के बेहद करीब कफर केला में मंगलवार रात को इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जहां पर हमला हुआ है वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। ये पूरा इलाका जंग का मैदान अभी भी बना हुआ है। लगातार इसराइल इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग लग रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि लगातार एयर स्ट्राइक की गई रात, बीती रात 2 बार इसराइल की तरफ से, और अब देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं है। और काफर केला और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इसराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्ला भी इसराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी दूर तक इस स्ट्रक्चर के परखच्चे उड़े हैं, आपको इस ज़मीन पर दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये इस तरह के टुकड़े अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से बहुत बड़ा अटैक किया गया था, ये तस्वीर देख लीजिए। और बगल में ही यहाँ पर इसराइल का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ आप समझिए कि अगर कोई शख्स इसके अंदर हो तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसराइल की सीमा भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से इसराइल के अंदर की तस्वीर है। तो लगातार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज़ होती जा रही है और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ अटैक काफर केला इलाके में हिजबुल्ला ने किया है। अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इसराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इसराइल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इसराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया, हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इसराइल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इसराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। उधर गाजा में इसराइल के हमलों के बीच बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए। जिन्हें निकालने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद ली गई। इसराइल के हमलों की वजह से गाजा के शेजा इलाके में भारी तबाही हुई, वहां कई इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। एक ही परिवार के 40 सदस्य मकान के मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए लोग रात के अंधेरे में मिट्टी खोदने वाली मशीन से मलबा हटाते दिखे। आशीन
बीते 33 दिनों से जारी जंग के दौरान इसराइल ने पूरे गाजा पर बारूद की बारिश की है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इसराइल की सेना ने जमकर बम और मिसाइलें बरसाई हैं, जिसकी वजह से गाजा के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। इस बीच हमास ने इसराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता, और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इसराइल को धमकी दे दी, और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया। इसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इसराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है। और जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी एक खबर है। इसराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया है। इसराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हेलो मोटो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। सवाल के बदले कैश मामले में घिरी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है। एथिक्स कमेटी की बैठक में महुआ के खिलाफ प्रस्ताव पास। महुआ की सदस्यता पर आखिरी फैसला लेंगे लोकसभा अध्यक्ष। पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR में फैलता है प्रदूषण। 8 नवंबर को दर्ज प्रदूषण में 38% पराली की वजह से होने की बात आई सामने। कैबिनेट सचिव ने पंजाब सरकार तुरंत कड़े कदम उठाने को कहा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रथम तल का काम 95% पूरा। राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची न्यूज 18 की टीम। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। त्योहारों बनाए गए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इसराइल पर बरसाए गए थे। यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इसराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इसराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इसराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है कि कई अमेरिकी नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इसराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। इसराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इसराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इसराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इसराइल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इसराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है। यानी गाजा पट्टी में इसराइल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इसराइल ने अपनी वायु सेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इसराइल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेनिमिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इसराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है।
और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रिगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इसराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है ताकि इसराइल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रिगेव के मुताबिक इसराइल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में, लेकिन वहाँ के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इसराइल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई। इधर गाजा में इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इसराइल की सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा की सीमा में नजर आई। एक तरफ आईटीएफ का टैंक दस्ता है तो दूसरी तरफ पैदल सेना दोनों हमास के ठिकानों पर प्रहार करते नजर आए। गाजा की रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकानों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर इसराइल की सेना जमीन और आसमान से लगातार गोले बरसा रही है। इसराइल के डिफेंस फोर्स के इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से सना और मलबे में तब्दील नजर आया। हमले में हमास के बड़े नुकसान का दावा किया गया। इसराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का ये कमांडर इसराइल की इसी लिस्ट में था। इसराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इसराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इसराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इसराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। इस बीच हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इसराइल की सेना ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने एक बार फिर गाजा में मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाई। हालांकि इसराइल ने दावा किया गया कि उस मस्जिद में हमास के कमांड सेंटर थे जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन इसराइल की सेना ने उस मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मस्जिद पर हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इसराइल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। हालांकि इसराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बचने के लिए मस्जिद में अपना ठिकाना बना रखा था। इसराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इसराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इसराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इसराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि ये ऑपरेशन खास तौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इसराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इसराइल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इसराइल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इसराइल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच जर्मनी ने इसराइल की बड़ी मदद की है। जर्मनी ने इसराइल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद का दावा किया है। ये मदद की गई है जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेट मैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इसराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे,
अबू जिनार रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था, क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जख्म। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विदिशा, जहां मैं आज शो के लिए मौजूद हूं, ब्रेक के बाद फिर से वापस आया, लौट रहा हूं, हाई प्रोफाइल सीट, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह जी भी 2013 में चुनाव लड़े यहां से। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट चर्चा में रहती है और एक बार फिर से मैं यहां पे मौजूद हूं। हमारे साथ ब्रेक के बाद किशन जी बसपा के तौर पे अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। किशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राउंड जो होता है एक्चुअली में ये जनता का होता है और जनता के सवालों का होता है और जनता अपने सवाल रखना चाहती है, जिनको पूछना है वो जल्दी जल्दी हाथ उठाएंगे, मैं बातचीत का सिलसिला आपके साथ जोड़ लूंगा। जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जी जनाब बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुरेंद्र सेन है। मेरा नाम, रुको आगे आइए, किसको बता रहे हो? हाँ बता दिया, बता दो। चलो सर, मेरा नाम सुरेंद्र सेन है। हाँ जी, और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब सनातन को गाली दी गई थी तो क्या कांग्रेस ही सनातन नहीं थे? उनको कोई जरा सी भी चोट नहीं आई जब सनातन को गाली दी गई? मैं भी एक सनातनी हूँ, मेरा खून खोला था सर जिस दिन सनातन को गाली दी गई थी। और ये अभी रवि भाई कह रहे थे कि गौ माता की बात करो, सनातन की मत करो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच से कि सनातन की रक्षा, गौ की रक्षा सनातन ने की है, विधर्मी तो उसको काट के। जी तो सनातन की बात आप क्यों नहीं करते? जो सनातन को गाली देगा उसकी हम निंदा करेंगे। एक बात, सनातन धर्म जैसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आदमी चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक हो जाए, रीति रिवाज से हो जाए, लेकिन योगी और मोदी सनातन धर्म की ठेकेदारी करते हैं। जब कोरोना में लाखों लोग मरे थे तो गंगा जी में उन हिंदुओं की लाशों को गड़ा दिया गया। अरे आप अंतिम संस्कार की बस सनातन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी मोदी तो सबसे बड़े ठेकेदार। कोरोना के पीरियड में वो बात कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जी बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है आप? जसवंत सिंह। जसवंत जी सवाल पूछिए। जी मैं ये कहना चाहता अपने आप विदिशा की, हम किसान लोग हैं, ये मंडी हमारी आज 10 साल से वहाँ पे है और तुलवाने हमें यहाँ पुरानी मंडी में आना पड़ता है, पैसे की भी हम कोई व्यवस्था नहीं है और हमेशा यही होता कि हाँ पहुंच जाएगी, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ पे मंडी है वहीं पे तौलाई का काम भी होना चाहिए, ये बात आपकी सही है, जायज भी है और व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी जी जनाब नाम क्या है आपका? नाम नेत्राम रघुवंशी। नेत्राम जी सवाल आपका। किसान हूँ, भारतीय किसान संघ का बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, सभी पार्टियों के लोग बिलोंग करने वाले सब लोग बैठे हुए हैं, आज तक सब लोग किसी लोगों ने किसान की बात की है क्या? नहीं, किसान की बात किसी ने की हो तो बात। आजकल तो सभी लोग किसानी की बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां बात कर रही कि वो कहते हैं कि हम इतना क्विंटल लेंगे, कोई कहता है इतने क्विंटल MSP, सब दुनिया भर की बात। ये झूठे जुमले हैं बाब, ये बोले ये झूठे जुमले हैं। सनातन पे मैं आया बिल्कुल, सनातन पे इन्होंने कुछ बोला, आपका जवाब। देखिए साहब, जिनके खुद के दादा की कब्र पर जो दो फूल चढ़ाने ना जा पाए वो क्या सनातन की धर्म की बात करेंगे, किसी परिवार की बात करेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अपने दादा की कब्र पे कभी जाते हैं फूल चढ़ाने?
फिरोज खान की, जाएंगे नौटंकी करने। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है ये चुनाव है, चुनाव में तो बहुत स्तर कहां तक चला जाता मुझे खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा और थोड़े से सवालों में व्यक्तिगत जहां तक आँच आए वहां पे थोड़ा सा हमको गुरेज करना चाहिए, उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। सवाल आपका हमने मान लिया, ले लिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें स्तर को जरूर मेंटेन करना जी। इनसे पूछ लें नहीं तो ये पीछे पीछे दिल्ली तक आ जाएंगे मेरे। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा हुकम सिंह सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत कोरिया का। पिताजी का नाम? बाल मुकन। और दादाजी का नाम? शुद्ध चमार। अब सवाल बनता है, ग्यारसपुर जनपद देख रहा, मेरा एक सवाल है, जब किसान अनाज पैदा करता है, किसान अनाज पैदा करता है तो बनिया के जो बनिया होता है दुकानदार, किसान के जैसे हमने अनाज पैदा किया किसान, हाँ आपने पैदा किया आगे बनिया, उसके धन की कीमत क्यों नहीं है? बनिया के धन की कीमत है, अनाज की कीमत क्यों? कोई बात नहीं, आज इनकी माफी है, आज इनकी माफी है, कोई बात नहीं। किसानों का जो सवाल उधर से पूछा गया था, किसानों का उचित दाम क्यों नहीं मिलता, यह सवाल था। इधर इधर कोई जी, बहुत देर से खड़ी, एकमात्र हमारी सबसे महिला है यहाँ पर, और कोई है ही भी नहीं यहाँ पे। भाई विदिशा में कोई रहता ही नहीं है क्या? उतनी दूर क्यों खड़ी है आप? आगे आइए, जब उनको एक जगह दीजिए, हटिए आप, सामने खड़ी उनको आने दीजिए आगे। जी पूछिए सवाल, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर मेघा दुबे है। मेघा जी आगे आइए, अंदर आइए, और सब बल्कि मैं तो कहता हूँ बीच में यहाँ सवाल पूछिए, कम से कम इन लोगों को दिखे तो सवाल। जी आइए, रजिस्टर करिए अपने को। जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सर मैं पहले तो नमस्ते करना चाहूंगी सभी से जी, और मेरा सवाल है, हमारी सरकार रोजगार कहती है कि हम इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारा रोजगार छीन लिया गया। हमने कोविड के टाइम पे सारे स्वास्थ्य विभाग में, हमने कोविड के टाइम पे हमारे और भी सारे चिकित्सक थे, हमारे स्वास्थ्यकर्मी थे, सबको उन्होंने अप्लाई करवाया, हमने 2 साल तक कंटिन्यूसली उनके साथ मेहनत की, काम किया, सरकार का साथ दिया, लेकिन आज वो सरकार हमारे साथ नहीं है। आज उन्होंने हमें निकाल दिया है, हमारी वैकेंसी छीन ली है, हमारी नौकरियाँ छीन ली हैं, जिनसे हमारा, हमारे बच्चों का, हमारा घर चल रहा था, वो सब कुछ चला। कोरोना के समय में डॉक्टर साहब ने सेवाएं दी, लेकिन कोरोना के बाद में, क्योंकि वो टेम्परेरी सेवाएं हो रही होंगी, लेकिन हमने सेवा की थी, सेवा की थी, और हमने हमारी सरकार का साथ दिया था, लेकिन आज वो सरकार हमारे साथ नहीं है। सर डॉक्टर साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि जरूर होना चाहिए, हर आदमी के पास काम होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, और आपने उस समय मानव जीवन की सबसे बड़ी सेवा की। पहले तो मैं यहां प्लीज कहिए तो प्रोग्राम बंद कर दूं, जब आप तड़प रहे थे तो ऐसे बहुत सारे शूरवीर, इनको कहता हूं मैं, ये लोग आगे बढ़ के काम करें, प्लीज इनके लिए क्लैप करिए। डॉक्टर साहब मैं, मेरे हिस्से में जितना है मैं उतना जरूर करूंगा, आपका सम्मान करता हूं, आप यहां पे हकदार हैं, आप प्लीज यहां खड़े होइए। जी प्लीज खड़े होइए, सवाल आपने रख दिया है, और वो प्रश्न ऐसा है, चिंतनीय है, जब एक समय मानव जीवन पर संकट था उस समय कोरोना के समय में आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने बहुत साथ दिया। मैं आपका जी एक और बात कहना चाहती हूं, जी बोलिए। सर हमारी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जो फ्री में बांट रहे हैं, वो फ्री में क्यों? हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम मिडिल क्लास से हैं, हम भी तो महिलाएं हैं ना सर, हम इनकम टैक्स देते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जो घर में है, अरे कांग्रेस कह रही है बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं कि फ्री, आप भी कह रहे हैं, और ये कहां से सीखा है मुझे मालूम है फ्री वाला। जी बहन जी कह रही हैं फ्री वाला, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि फ्री कौन बांट रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब ये लगा कि हम किसानों के पास नहीं जा सकते, धोखा हो गया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया उनके पास, सुनिए मैं आ रहा हूँ। जी सर उन्हें लाडली बहना की याद आई 18-19 साल बाद, उन्होंने कहा महिलाओं को अब बेवकूफ कैसे बनाए, पहले महीने 1000, दूसरे महीने 1250, तीसरे महीने 1500 बोली लगाई गई माता बहनों की, इसके बाद इन्हें पता था आचार संहिता लगी, कुछ नहीं देना, बेवकूफ बनाने का काम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के। अब जब बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, इन्होंने क्या कहा है, 3100 देंगे। बिल्कुल जब तुमने 1200 बोला, हम 3100
और बोले 3100 में पेट नहीं भरेगा तो और भी कर देंगे, तो आप भी वही रास्ते चल रहे हैं गुरु जी? जी देखिए साहब, जो ये हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब ये है। सबसे पहले बहन जी का देता हूँ, डॉक्टर साहिबा जो हैं, इन्होंने जो कोविड के समय में किया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता था, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात, जिसका जो हक जिसको है उसको वो हक मिलना चाहिए, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल ऑफिसर की जो लीगल नियुक्तियाँ जो होती हैं वो MPPSC के थ्रू होती हैं, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी है, और उसमें भी लगातार जो कोविड के समय में जो भर्तियाँ नहीं हो पाई थी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज में ये सारे डॉक्टरों ने काम किया, जिला चिकित्सालय में काम किया, उस समय आनन फानन में ये सारे लोगों ने अपनी सहमति दी, जान को हथेली पर रख के वहाँ काम किया, हम लोगों ने इनके साथ मिलकर जो हम मदद कर सकते थे लोगों की वो की। लेकिन कांग्रेस के विधायक उस समय यहाँ थे, उन्होंने इन्हीं डॉक्टरों को, इसी विदिशा मेडिकल कॉलेज को, इसी विदिशा शहर को बदनाम किया, और खुद के मोबाइल से एक फेक वीडियो विदिशा मेडिकल कॉलेज के नाम पर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे, सभी पे डाला, और उसमें ये बताया कि डॉक्टर साहब मेरा तो सीधा सा ये है कि आपको आपको लाभ होना चाहिए, आपने सेवाएं दी हैं, और ऐसे आप तो तमाम जैसे जो लोग हैं जिनकी सेवाओं पर है उनको जरूर मिलना चाहिए। बसपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं, जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वेरी क्विक। मैं किशन लड़िया BSP का पूर्व प्रभारी हूं, जिला प्रभारी हूं। मैं संविधान को मानने वाला हूं, संविधान, जैसे कि अभी धर्म की बात चल रही थी, तो मैं इंसानियत का धर्म मानता हूं, धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, जहां इंसानियत नहीं हो धर्म किस काम का, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां सरकार ने अभी जो आरक्षण की बात चलती है, अभी लोगों को जो टिकट दिए हैं BJP और कांग्रेस ने, तो कांग्रेस BJP एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी कांग्रेस कसी कभी BJP, कभी पब्लिक ने यह भी नहीं सोचा कि इसका भी कोई औचित्य है। आपके पास तो सत्ता की चाबी रहती है, चाबी अब रहेगी, बोले अब हमारे पास सत्ता की चाबी, एक बार पूछ लिया 5 साल बाद नंबर आएगा। सत्ता की चाबी सबके पास है, चोर चोर मौसेरे भाई सब है, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा आप सब चोर चोर मौसेरे भाई। बात करते हैं धर्म की, पहले सनातन धर्म पे आता हूँ क्योंकि मैं हिंदू भी हूँ ब्राह्मण भी हूँ, पहले सनातन धर्म पे आता हूँ। हमारा सनातन धर्म अहिंसा पे आधारित है। हमारे एक सांसद जी जब गुजरात से बोलते हैं किसी धर्म गुरु की गर्दन काट कर लाने के लिए, क्या ये सनातन धर्म है या सनातन धर्म मानने वाले हैं ये जो शंकराचार्यों का अपमान करें? हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु चारों शंकराचार्य हैं, उनके अलावा